औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज जो मैं आपके लिए वजीफा लेके आई हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत लाजवाब। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर ये वजीफे पेश किए जा रहे हैं। वजीफा क्या एक अमल की तरह काम करता है, और अमल आपको पता है उसके कुछ शरायत होते हैं, और उसको अमल को अमल की ही तरह अगर किया जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वजीफा करें या फिर अमल करें, मतलब कि जैसे आपका कोई रूठ गया है, कोई प्यारा आपसे दूर है, नाराज है, अगर आप उसके लिए वजीफा वगैरह करवाना चाहते हैं, या फिर एक नक्श हमें मोकलीन नक्श, हुबे मोकलीन नक्श उसको कहते हैं, अगर वो आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता दें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, इसका थोड़ा सा हदिया है वो आपको देना पड़ेगा, कम अज़ कम 1000 से 2200 तक उसका हदिया है। वो आप हमें अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे पाकिस्तान में हैं तो इसी पैसा के ज़रिए आप ले सकते हैं, और अगर मुल्क से बाहर हैं तो फिर आपको थोड़ी सी जो है मुश्किल से दरकार होना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सूरह फातिहा का, मोहब्बत का लाजवाब आज मैं अमल आपको बताऊंगी, और वजीफ़ा भी इसे कहते हैं। तो अमल और चीज़ होती है, वजीफ़ा और चीज़ होती है, कि आपने ये जो अमल है ये इस तरह करना है कि आपने अपने ज़हन में जो है अपने प्यारों का, जिसको आप बुलाना चाहते हैं या जिसको आप अपनी अपने आप से मुसख़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वजीफ़ा किया जाता है। तो ये वजीफ़ा एक दफ़ा करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसा आप चाहेंगे अल्लाह पाक वैसी ही मुराद आपको अता करेंगे। और एक बात याद है कि शरीयत का ख्याल रखें। और सूरह फातिहा को आपने पढ़ना किस तरह है, अब ये भी आप सुन लें। इतवार वाले दिन ये अमल करें या पीर वाले दिन ये अमल करें, सूरह फातिहा को आपने कम से कम जैसे ही अजान होती है उस वक़्त आपने सिर्फ 3 या फिर 7 या फिर 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। एक बात याद रखें कि वजीफे अमल की ही तरह होते हैं, लेकिन वज़ाइफ के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होती है और अमल के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होती है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जब अजान हुआ करेंगे इसके बाद सूरह जो है फातिहा पढ़ेंगे, और हर नमाज के बाद कम से कम आपने 3 मरतबा या पढ़ लिया करें या अजान हो तब पढ़ लिया करें, दोनों ऑप्शन में रोज़ाना कम से कम ये 5 दफ़ा अमल आप दोहराएंगे। सिर्फ 3 दिन करना है आपने ये अमल, और आप इसका जो है असर देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कि आप यकीन माने कि जो आपसे दूर है, जो आपसे नफ़रत करता हो ना, बहुत नफ़रत करता हो, अदावत रखता हो, उसके लिए भी ये करें तो इंशाल्लाह वो भी नरम होके और आपसे मुसख़र होके आप तक पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जो हुबे नश्क जो होते हैं वो आप लेना चाहते हैं, तो नक्श के लिए आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं, हुबे नक्श आपको आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मसला हो या इस्तखारा वगैरह हो वो हल किया जाए, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ज़रूर मदद की जाएगी। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खूब का नक्श दिया जाए, यानी मोहब्बत का, चाहत का नक्श दिया जाए, जिससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाए, और इंशाल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उसका इस्तेमाल, उसका तरीका इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश की जाती है, अगर आप सिंसियर हैं और वो नक्श हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर जो है हमसे बात करें। उसका थोड़ा सा हदिया है, वो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि उसका हदिया आपको ज़रूर देना पड़ेगा, वरना वो नक्श कभी काम नहीं करता। ठीक है, उसका जो मोकलीन का ज़ाहिर आपको पता है, अमलियात का लिया हुआ नक्श है, और बहुत मुश्किल से हमें भी वो मिला था, तो काफ़ी पढ़ाइयों के बाद, और मतलब के जैसे चिल्ला काटने के बाद वो नक्श तैयार किया गया था, और वो बहुत जलाली नक्श है। तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसका हदिया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हदिया इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसका हदिया जो है दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत जो है ताकतवर नक्श है, उसका ख्याल रखिएगा और उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।
अगर आप हमारा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट्स करें, और वो लोग बस रابطہ करें नंबर के लिए जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमलियात सीखना चाहते हैं या अपनी कोई मुश्किल हल करवाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर बहुत से जो हमने वज़ाइफ आपको पेश किए हैं, अमलियात पेश की है, रूहानी इलाज की मुकम्मल सर्विस दी जा रही है। दुनिया भर के परेशान हाल लोग अपने मसले और परेशानियों के लिए, बेरोजगार जो लोग हैं और जिन्नात जादू के मामलात का हल करवाने के लिए इस सब जो सर्विस दी जा रही है उससे काफी लोग जो हैं फैजयाब हो रहे हैं, और पूरी कोशिश की है कि अपनी बहनों की मदद की जा सके, भाइयों की मदद की जा सके, और अगर हमें कोई नक्श वगैरह भी उनको सेंड करना पड़े हम वो भी उनको भेजेंगे बजरिया डाक के जरिए, या फिर कोई चीज भेजनी होगी वो भी इंशाल्लाह भेजेंगे ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। किसी को जिन्नात जादू या घर में कोई ऐसी मसला है या बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, काला जादू जैसे सफली जादू, जिन्नात नजरे बद, और जैसे शादी के मसाइल होते हैं, पसंद की शादी के मसाइल होते हैं, तलाक का मसला होता है, कारोबार की बंदिश कर दी जाती है, कोई कारोबार कोई ठीक हो नहीं रहा था, वो अच्छा कारोबार भी खराब हो रहा होता है, तालीम का मसला होता है और बाहर मुल्क जाने का मसला होता है, रिश्ते की बंदिश, मोहब्बत वगैरह के जो होते हैं वो मैंने काफी अमल आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं जो शरीयत के लिहाज से हैं, और सास वगैरह का ये जो मसले होते हैं इनके लिए जो कुरान पाक की जो है तालीम दी जाती है उसमें से आपको जो भी बेहतर होगा वो हम बताएंगे, और जैसे शोहर नाराज हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, इन तमाम मसलों के हल के लिए इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करें, हम आपको नंबर भी देंगे, लेकिन सिंसियर लोग जो हैं वाकई ही जो हमारी बात को समझते हैं वो लोग रब्ता करें। और एक बात, आप इनको जो नंबर दिया जाएगा वो मेरे उस्ताद, मेरे जो पीर हैं उनका नंबर है, मेरे चचा भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनका नंबर दिया जाएगा, भाई लोग जो हैं वो उनसे बात करें, और ख्वातीन जो हैं उनसे बात करके हम तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, ख्वातीन हमसे बात कर सकती हैं या फिर वो जो है उनसे भी बात कर सकती हैं, उनको नंबर दिया जाएगा। नंबर दो बात ये है कि अगर बहुत से लोगों की फरमाइश है, यहाँ तक कि हजार से ज्यादा लोग जो हैं हमसे कहते हैं कि प्राइज बॉन्ड, वट्टा, लॉटरी, इन सब के बारे में जो है मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है तो वो उनसे बात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी हो सके आपकी मदद की जाएगी इस्लामी तरीकों के हिसाब से। इजाजत दें, मेरी अगर बात समझ आती है तो कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो सिंसियर हैं, वाकई ही अमल करना चाहते हैं और अमलियात में आना चाहते हैं, बेफजूल लोग जो है रब्ता ना करें, टाइम वेस्ट मदरसों वालों का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से चैनल बनाया गया है, तो आपकी मेहरबानी है इसको जो है इसका गलत तरीका इस्तेमाल ना करें, सिंसियर लोग बस रब्ता करें। और 2 या 3 मैसेज में अपना तमाम मसला बयान करें, ज्यादा मैसेज ना करें, ये तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद